हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम मेमोरियल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के फिजिक्स जो बचे हुए 25 क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन टू रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू। तो सिंपल फॉर्मूला था, क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। आंसर होगा डी, R1 into R2 जब by R1 into R2, R1 plus R2। जब दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिया होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये सिंपल ट्रिक रहता है R1 into R2 अपॉन R1 plus R2, ये होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Joule's law of heating, the heat generated due to electric current is given by। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है जूल्स लॉ का, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू, तो 1 वाट, तो पावर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम ये भी पढ़े थे ना, भी इन टू आई। तो अब अगर ऐसा यूनिट लिखा जाए तो 1 वाट इज इक्वल टू वोल्ट का होता है, 1 वोल्ट ही होता है, और इन टू में हो जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि करेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 एम्पियर। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ए नंबर में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बहुत इजी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, kWh। तो देखिए ये कहाँ किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में ही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, बिल्कुल गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए वही ऑप्शन बी में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ, तो ये पहला होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप सारा ऑप्शन को पहले गलत कीजिए और किसी एक ऑप्शन पर श्योर होइए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये भी गलत, ये क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया, स्क्वायर ऑफ एरिया नहीं, सिर्फ एरिया। तो आंसर हो जाएगा सिंपली बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड बाय एलॉय रेदर देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल के बजाय एलॉय का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम एलॉयज़ का जो उसका कंस्टिट्यूएंट होता है उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा तो करंट कम जाएगा, करंट जब कम आएगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और हमें तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ही चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, एलॉयज़ हैव हाई रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करेंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द पावर लाइन। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पढ़िए क्या बोल रहा है, ऐसा हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ईस्ट, द करेंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, करेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंड तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो हम इसको क्या किस डायरेक्शन किस रूल से बताएंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे तो कर्ली फिंगर हमारा कैसे होगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे तो हमारा कर्ली फिंगर जो चारों फिंगर होगा वो किस साइड मुड़ा रहेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो ये सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ किस में है, ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्म्स इज,
तो अब इसमें भी वही ऑप्शन है कि कौन सा सही होगा, तो आप हमेशा सारा ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद जो सही होगा उस पर श्योर होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स इज, तो एन स्क्वायर टाइम्स एज लार्ज एज प्रोड्यूस, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा मान लीजिए कोई है कॉइल, तो जितना एक टर्म में, जैसे बी नंबर, एन टाइम्स एज लार्ज एज डेट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न, हम जितना टर्न देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक टर्न में मान लीजिए 10 हो रहा है, तो 10 टर्न करेंगे तो 100 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक एग्जांपल के तौर पे। तो उसी तरह हम जितना टर्न बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली बी नंबर, एन टाइम्स एज लार्ज एज डेट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन साइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो सिंपल है, अगर किसी भी सोलेनॉइड, इसे सोलेनॉइड कहते हैं, अगर इसके अंदर एक आयरन कोर रख दिया जाए तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर सही होगा उसका। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करेंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर, जैसे ये सोलेनॉइड बनाए, कैरिंग करंट, वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, तो इन साइड, ठीक है, तो इन साइड क्या होगा, सब में सेम होगा, इन साइड के अंदर क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, सेम एट ऑल पॉइंट, डी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, जैसे ये थंब, ये एक सेकेंड, जैसे ये थंब होता है, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, और भी फिंगर होते हैं, तो ये हम फोर्स इससे दिखाते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं और इससे करंट दिखाते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम फोर फिंगर से क्या दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज, तो किसी भी सर्किट में करंट को कौन डिटेक्ट करता है, तो गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए ये सर्किट है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये होता है ये तीर जैसा, अगर इस साइड से करंट पास होगा तो ये तीर इस साइड झुक जाएगा, और अगर इस साइड से तीर करंट पास होगा तो ये तीर इस साइड झुक जाएगा। तो ये सिर्फ करंट डिटेक्ट करता है कि नहीं है सर्किट में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक फेनोमेना ऑफ वर्किंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी का फेनोमेना से होता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट चेंजेस वंस इन ईच, तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ये इसे वन रिवोल्यूशन कहते हैं, इसे भी वन रिवोल्यूशन में, तो क्या होता है, हर बार वो रिवोल्यूशन हाफ में चेंज करता है, यहाँ आया फिर चेंज किया, फिर चेंज, फिर यहाँ आया फिर चेंज किया, तो इसका हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर हाफ रोटेशन में ये अपना चेंज कर रहा है करंट को। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाफ रोटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो क्लोजर, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, इधर से पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो यहाँ पे क्लोजर कहाँ पे है, जहाँ पे स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, जहाँ पे स्ट्रांग होगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ स्ट्रांग होता है, पोल्स में, इसलिए पोल्स में ज़्यादा डेंसर है, इसलिए आंसर हो जाएगा जहाँ पे स्ट्रांग होगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करेंट इज सिमिलर टू डैट ऑफ ए, जब सोलेनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये जैसे ये सोलेनॉइड है और यहाँ से इस तरह अंदर में पैरेलल ही रहता है मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह ही, इस तरह का आप पढ़े होंगे, इस तरह का ही निकलता है, तो इस तरह का उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, तो किसके तरह होता है, तो बार मैग्नेट की तरह, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसी सप्लाई टू द हाउस इज ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ज,
वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई इज विद रेड इंसुलेशन कॉल्ड एज, तो सिंपल है लाइव वायर, जो रेड इंसुलेशन पे वायर जो लगा रहता है हमारे घर में उसे लाइव वायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, आप डेफिनेशन से पता कर सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करेंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड अ कॉइल, किसी भी मैग्नेट के बीच और कॉइल के बीच जो रिलेटिव मोशन से जो हम इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस करते हैं उसी को ना कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है ऐसा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इधर से सारा रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा, इधर का सारा रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा तो करंट हैवीली पास हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, करंट एकदम इंक्रीज हैवीली हो जाता है, बढ़ जाता है तुरंत, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है और करंट क्या होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत ही ईजी सवाल है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा डिवाइस है, तो सिंपल जनरेटर, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, तो डिटेक्ट करता है, एम मीटर मेजरमेंट करता है, मोटर को वो उसका यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कौन करता है, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इज, तो वेरी इजी सवाल, हम रजिस्टर को तो कभी सेफ्टी डिवाइस कहेंगे नहीं, मोटर भी नहीं, जनरेटर भी नहीं, सिंपल बी नंबर ऑप्शन फ्यूज, फ्यूज़ को ही अपने घर में यूज़ करते हैं, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए, एज अ सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टेकन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट का डायरेक्शन कैसा लिया जाता है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स पास होता है उसके जस्ट अपोजिट में हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन, ये एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी का ही है, तो आप चलिए आपको यहाँ पे समझा देते हैं कैसे होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई तार है, उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में काटेंगे, ऐसा काट दिया 5 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में कट गया, उसे इक्वल तो नहीं था, ऐसा एक कोई तार है जिसको हमको 5 इक्वल पार्ट्स में काटना है, अब इस पूरा का रेजिस्टेंस R है, तो एक इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस R by 5 हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा करके देखेंगे तो R by 5 हो जाएगा, क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब बोला कि R डैश क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी ये पांचों जो रेजिस्टेंस जो हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे उसे अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पांचों रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, पांचों रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे पैरेलल में, ऐसा सपोज कीजिए पैरेलल में, तो अब हमें R डैश यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो R डैश क्या होगा, सबको जोड़ेंगे 1 by R डैश, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 by R हो जाएगा, और इसी तरह पांचों को जब जोड़ेंगे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, R by 5 करके पांचों का जब जोड़ेंगे तो आएगा 25 by R, जैसे 1 by R डैश इज इक्वल टू 25 by R आएगा, एलसीएम जब लेंगे R का तो R ही होगा और ऊपर होगा 25 by R, ठीक है, अब R डैश को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R by 25, R डैश इज इक्वल टू R by 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए, जब R सिंपल हमको अगर निकालना होगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 25 इधर डिवीजन में है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आर इजिकल टू हो जाएगा 25 इंटू आर डैश, 25 आर डैश, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में चल गया। अब इस आर डैश को हम इधर ले आएंगे अपोजिट में, तो इधर आर बाय आर डैश हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश, आर अपॉन आर डैश, यानी रेशियो। अब आंसर क्या आ जाएगा 25, हमें यही निकालना था, यहाँ पे देखिए आर अपॉन आर डैश का रेशियो निकालना था, इसलिए क्या आया आंसर 25, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कौन सा जो एनर्जी है वो नॉन कन्वेंशनल, मतलब नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी पारंपरिक, यानी पहले से नहीं आ रहा है, पहले से यूज नहीं होता आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो अभी यूज होना स्टार्ट हुआ है ना, पहले से तो यूज नहीं स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी पहले से नहीं, हाल फिलहाल में ही उसका यूज स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, फॉसिल फ्यूल पहले से हो रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट पहले से हो रहा है, विंड एनर्जी पहले से हो रहा है, लेकिन सोलर एनर्जी हाल फिलहाल में ही हम इसका ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो आज फिजिक्स पार्ट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का पार्ट करेंगे, उसको भी इसी तरह 25 25 क्वेश्चन करके पार्ट कर देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसा वीडियो चाहते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही।